जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। आपका पहला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए रामायण, बी जय संहिता, सी गोत्र, डी परमवीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जय संहिता। आपका अगला सवाल है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाना है? आपके ऑप्शन है ए बंदर, बी बाघ, सी मधुमक्खी, डी कबूतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मधुमक्खी। आपका तीसरा सवाल है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कन्नौज को, बी अहमदाबाद को, सी जयपुर को, डी मेरठ हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नौज को। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। आपका पांचवा सवाल है, सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी अब्राहम लिंकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। आपका अगला सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस, बी बर्लिन, सी लंदन, डी ब्रुसेल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। आपका सातवां सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। आपका दसवां सवाल है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कानपुर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी सदन के प्रमुख।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आपका 12वां सवाल है, किस फल के ज्यादा सेवन से पेट दर्द का खतरा हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रॉबेरी, बी संतरा, सी अंगूर, डी केला। इसका सही उत्तर है ए स्ट्रॉबेरी। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी विधायक, डी सदन के प्रमुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी चंपावत, सी प्लासी, डी कलिकोट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पानीपत। आपका अगला सवाल है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी विलियम जोन्स, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम जोन्स। आपका 16वां सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी तमिल, डी बंगाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुमुखी। आपका अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, बी धर्मनिरपेक्ष और लेखावादी, सी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, डी लोकतंत्र और संघर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपका अगला सवाल है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सूडान देश में, बी अमेरिका देश में, सी इटली देश में, डी चीन देश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इटली देश में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।